सब संभाल लेते हैं हम। घर की फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो या किसी की तबीयत खराब, पापा की सोशल स्टैंडिंग हो या सेफ्टी सिक्योरिटी का सवाल, सब संभाल लेते हैं हम। जाकिर खान ने कहा है और गलत भी तो नहीं है। कुछ मेरे सपने थे और कुछ घर वालों की उम्मीदें, इन्हीं को लेकर घर से निकला था। अब तो एक अरसा हो गया है, आखिरी बार घर पे घर जैसे कब रहे ये याद भी नहीं। घर का बड़ा बेटा होना मतलब जिम्मेदारी, सबकी उम्मीदें हम ही से होती हैं। एक अच्छी नौकरी, भाई बहनों का ख्याल और खुद की जरूरतें, और इन सब के बीच कहीं मेरे सपने भी। सालों पहले एक सपना देखा था राइटर बनने का, पर कहते हैं ना कि खुली आंखों से देखी ख्वाब ख्वाब नहीं होते, कुछ ख्वाब हकीकत के मोहताज नहीं होते। हम वो है जो सबको साथ लेकर चलते हैं, घर वालों को अपने साए में रखते हैं। देर रात जब सब सो जाते हैं तो हम अपने सपनों के बीच कहीं खो जाते हैं। हाँ, जिम्मेदारियां निभानी मुश्किल नहीं, पर आसान भी तो नहीं। इस दिवाली घर भी नहीं जा सका। माँ कहती है दिवाली तो है पर घर में रौनक नहीं। कई सालों से दूर हूं और हर बार यही कहकर टाल देता हूं कि खैर अगली बार ही सही। घर की याद तो आती है पर फिर भूल जाता हूं। मुझे कुछ बड़े की चाहत नहीं, ना ही किसी से शिकायत है और ना ही मैं अपने जिम्मेदारी से दूर भाग रहा हूं। बस कभी कभी चीजें उलझ जाती हैं और उन्हें सुलझाने में थोड़ा सा वक्त लगता है। बस इतनी सी ख्वाहिश रहती है कि कोई पास आके मुझसे मेरा हाल पूछे, कैसे हो तुम, सब ठीक तो है, दो सवाल पूछे तो बस और क्या चाहिए। चंद पलों के लिए ही सही माँ का आंचल मिल जाए, फिर से भिगोने के लिए किसी रोज कंधे पे हाथ रख के पापा बस ये कह दे कि सब संभाल लेगा तू। और इसी उम्मीद में कि अगली दिवाली तो घर पर ही मनाएंगे, एक साल और गुजार लेता हूं, बाकी तो सब संभाल लेता हूं। पापा की उम्मीदें हो या भाई के लफड़े, माँ की डांट हो या बहन के नखरे, सब संभाल लेता हूं।